बच्चों सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि एमपी बोर्ड का सीरीज अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का सेपरेट सब्जेक्ट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, और अभी जो बच्चों का सेकंड टर्म का एग्जाम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि सेकंड टर्म के एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वहाँ से सारे क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। मतलब कि आपके मेन एग्जाम में भी वहीं से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैंने बोला था कि दिसंबर में 5 या 10 दिसंबर के बाद अपन इन्हीं चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चा टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, क्लियर। उसके बाद यदि आपका कोई दोस्त या कि आप खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, मिलती रहे। चलिए अब उसके बाद अपन देखते हैं जो हमारा केमिस्ट्री का, चलिए अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में पहले चैप्टर से, जैसे 10 चैप्टर हैं तो आपको 10 चैप्टर के 10 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। 10 चैप्टर मिला के आपको 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें से आपके 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपन वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे पहले चैप्टर बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स। आपके एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए तो फिल इन द ब्लैंक अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूशन शोइंग नॉर्मल स्टेट इन द सॉल्यूशन विल बी --1। तो क्या होगा, जो हमारा 1 यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जाएगा आपका आंसर इक्वल, क्लियर, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल। उसके बाद द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसका? वेपर प्रेशर का। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन वेपर प्रेशर का क्या होता है, तो एक्चुअल में जब हम राउल्ट्स लॉ सॉल्व करते हैं, राउल्ट्स लॉ से हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, तो फार्मूला एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए पी नॉट ए, ये जाएगा। लेकिन यदि आपको किसी जगह पे ये भी लिखा हुआ मिल जाए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इन दोनों में से आप कोई सा भी आंसर लिखोगे आपका आंसर सही जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं किया कि वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल, तो आप यहाँ पे भी चला जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, आपका इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिकली रिलेशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज 1000 ग्राम सॉल्वेंट, क्लियर। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज, जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट के मोल मिक्स करते हैं तो वो आपका कहलाता है मोलैलिटी। क्या कहलाता है? मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, क्लियर। चलिए फिर लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन इज नोन एज, लिक्विड मिक्सचर जो हमारा लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये आपका आंसर दिया हुआ है एजियोट्रॉपिक लिक्विड मिक्सचर। उसके बाद थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनी मॉलिक्यूल कैन पास थ्रो, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ओनली परमेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम आइडियल सॉल्वेंट लेते हैं वाटर H2O, यहाँ पे अपन आइडियल सॉल्वेंट लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है
एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज इट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। इसका आंसर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, मतलब कि यदि आप हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, हाई एल्टीट्यूड में यदि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। फिर मोलैलिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की मोलैलिटी आप डायरेक्ट याद रखिएगा 55.5 या आप इसको 55.6 बोल सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आओ हम सॉल्व करके बता देते हैं। यदि हम वाटर के मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, N/V। क्या होता है N/V? N होता है वेट अपॉन मोलैलिटी ऑफ वाटर। यदि हम मोलैलिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो मोलैलिटी ऑफ वाटर होता है स्मॉल m इक्वल टू N/WA, है ना। WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का वेट, क्लियर। N होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इन टू 1000/WA, क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि फॉर वाटर डेंसिटी इक्वल टू 1 g/ml, वाटर की डेंसिटी 1 g/ml होती है, मतलब कि वाटर के लिए वेट और वॉल्यूम सेम होता है, वाटर के लिए वेट और वॉल्यूम सेम होगा। ऐसे कुछ कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 1 तो मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास, वाटर के लिए मास और वॉल्यूम इक्वल होता है, सेम होता है, क्लियर। तो अब देखिए ये हमारा जो वेट है इसको हम मान के चलेंगे वॉल्यूम, क्या मान के चलेंगे वॉल्यूम, और डेंसिटी जो है इसकी, इसकी जो डेंसिटी है वेट बाई वॉल्यूम हो गई डेंसिटी, जो कि 1 होती है और ऊपर है 1000 और नीचे वाटर का मॉलिकुलर मास, H2O का मॉलिकुलर मास होता है 18, तो 18। जैसे आप 1000 में 18 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55.5 मोलल, क्लियर। तो ये हो जाता है आपका वाटर का मोलैलिटी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज नोन एज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। जब 1 liter ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा तो आपका आंसर जाएगा मोलैरिटी, मतलब कैपिटल M, आंसर जाएगा आपका मोलैरिटी, आंसर जाएगा आपका मोलैरिटी, है ना, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ 95.4% ऑफ H2O C2H5 रिप्रेजेंट, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डेविएशन, क्या रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक में 10 क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इनके आंसर्स हैं, ये हो गए आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स, पहले चैप्टर से आपको याद रखने हैं 10 फिल इन द ब्लैंक्स, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अभी भी यहाँ पे भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं बेटा वन वर्ड, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, सॉल्यूशन चैप्टर का ही है अब वन वर्ड, तो वन वर्ड में अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है वन वर्ड में, तो राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको एक ये वाला भी फॉर्मूला मिलेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000/VML। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000/ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका किसका, मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्लियर।
उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m की यूनिट क्या होगी, बहुत आसान है, स्मॉल m इक्वल टू होता है n अपॉन डब्ल्यू ए मतलब मोल पर के जी, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्लियर। फिर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला विच स्टेट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मास ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटिव है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वॉट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हमने रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा बेटा ये वाला, डायरेक्ट आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के साथ लिखिए, एक्स बी मास ऑफ सॉल्यूट के लिए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, क्लियर, ये आपका रिलेशन है। अब यहाँ से आप ऐसा कर दीजिएगा, एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर है। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के आंसर पे छोड़ देना है, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए आपका फाइनल आंसर होगा। फिर भी यदि बोला है मास ऑफ सॉल्यूट तो हम सॉल्यूट का मास सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन है तो हमने कर दिया एक्स बी का मोल अपॉन टोटल मोल। बट यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है बहुत मिनिमम अमाउंट में मिक्स किया जाता है, और बी हमारा क्या होता है सॉल्यूट, बहुत मिनिमम अमाउंट है, मतलब ये लेस देन एन ए, मतलब एन बी जो है एन ए से बहुत कम होता है, तो इसको हम लगभग नेग्लिजिबल मान लेंगे, लगभग जीरो मान लेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, क्लियर। अब ये मोल है, अब मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो एन बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो अपॉन के अपॉन तो ऊपर चला जाएगा, तो एम ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास क्या होता है, सॉल्यूट का मास मॉलिकुलर मास एम बी, तो यहाँ से आपको एम बी पूछा है, आप इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सही है, आप कोई सा भी लिख दो, न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट, क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, मजा आ गया, जो कौन सी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, तो बहुत आसान है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका डायरेक्ट आंसर जाएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका आंसर चला जाएगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लियर। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है, तो देखिए बहुत आसान है, राउल्ट्स लॉ होता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ बहुत आसान है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। मतलब कि पी डैश ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी डैश ए हटेगा तो आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, क्लियर। तो ये हो जाता है हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ, बहुत आसान है, आप एक शब्दों में लिख दोगे यहाँ पे, एट अ डिफाइन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
क्लियर। आप ये भी लिख सकते हैं, यदि आपको ये नहीं लिखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड राउल्स लॉ। व्हाट इज राउल्स लॉ, मैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना। आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसके एग्जाम्पल, तो उसका बहुत ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो CH3CO CH3 प्लस आपका जाएगा C6H6 बेंजीन, ये हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन जो शो करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन वोलेटाइल का जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CH3COCH3, ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड, कौन सा एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड है, तो आपका आंसर जाएगा एथाइलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड है। फिर राइट द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का यूनिट होता है बेटा PPM, पार्ट्स पर मिलियन जो है पॉल्यूशन का यूनिट्स होता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत माइन्यूट अमाउंट्स में पॉल्यूटेड कर देता है, किसी को प्रदूषित कर देता है, इस वजह से माइन्यूट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब माइन्यूट अमाउंट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन PPM यूज करते हैं, क्लियर। तो आपका आंसर जाएगा PPM। नेक्स्ट है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग कॉन्स्टेंट सोल्यूशन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग कॉन्स्टेंट, तो इसका एग्जाम्पल आपका चला जाएगा 96.4% C2H5OH प्लस 4.5% H2O, क्लियर। तो यह होगा आपका एग्जाम्पल्स किसके, मिनिमम बॉइलिंग कॉन्स्टेंट सोल्यूशन के। तो आपका ये हो गया क्या, ये हो गया आपका वन वर्ड, इसके पहले मैंने क्या बता दिया, इसके पहले मैंने बता दिया फिल इन दी ब्लैंक्स, तो 10 वन वर्ड हो गए, 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, क्लियर। अब यहां पे देखेंगे बेटा चार पांच गिलास कहां रख दिया, ये कहां मिली है, ये चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स, कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, वहां पे यहां पे देखते हैं। तो देखिए, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर, सही है, एकदम सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां जहां वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम परसेंटेज, इन तीनों में वॉल्यूम होता है, इसलिए इन तीनों जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां जहां वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मोलरिटी हो गया आपका, याद रखिए, नॉर्मेलिटी हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गए, इन तीनों में वॉल्यूम होता है, इस वजह से ये तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो ये आपका ट्रू है। ऑल सॉल्यूशन ओवेज राउल्ट्स लॉ, नो, ऑल सॉल्यूशन ओवेज राउल्ट्स लॉ गलत है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को सिर्फ आइडियल सोल्यूशन ओवेज, है ना, राउल्ट्स लॉ को सिर्फ आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं, तो ये गलत है, क्लियर। फिर बर्कले हार्टले मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, नो कैन नॉट बी यूज, नहीं, इससे हम कर सकते हैं, बर्कले हार्टले होता ही है अपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं कर सकते नहीं होगा, कर सकते हैं ऐसा होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, क्लियर। तो ये भी गलत हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन मोलर सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 22.4 atm, सही है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऐसा ही होता है,
क्लियर, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो ये हो गए आपके चार, हो गए ट्रू एंड फॉल्स, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम देखेंगे, देखो इसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं बेटा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपके मैचअप, है ना। चलिए यदि हम यहाँ पे आपके मैचअप की बात करें, तो मैचअप में क्या होगा बेटा, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करने हैं। तो जैसे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, राउल्ट्स लॉ हमारा हो जाएगा ये, क्लियर। पी मैचअप में यदि अपन सेकंड नंबर का मैचअप देखें, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप ये मान लीजिए कि ये आपका कॉलम फर्स्ट है और ये है कॉलम सेकंड, क्लियर। यदि हम कॉलम फर्स्ट की बात करें, तो कॉलम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर होता है गैस इन लिक्विड, तो सोडा वाटर यहाँ पे ई दिया हुआ है, अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, नहीं ये हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको सही कर लीजिएगा, है ना, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्लियर। फिर शुगर सोल्यूशन, यानी कि जैसे ही हम शुगर को सोल्यूशन में डालते हैं, मतलब कि सॉलिड इन लिक्विड, तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड इन लिक्विड, अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड, आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सोल्यूशन, अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका जाएगा आंसर सी, क्लियर। फिर जर्मन सिल्वर क्या होगा, जर्मन सिल्वर मतलब सॉलिड में हम सॉलिड को मिलाते हैं, तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, इसका जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। एयर होता है अ मिक्सचर ऑफ गैस इज गैस, अ सोल्यूशन इज गैस इन गैस, ये होगा गैस इन गैस। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम का होगा अ सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक मैचअप, ये दो मैचअप हो गए, एक और मैचअप लास्ट है इसका, ये वाला बेटा क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है ये भी, क्या क्या है, पहले है, पहला है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका पहले का जाएगा c, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल तो रहता है लेकिन वो एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं, केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो हो जाएगा सॉल्यूट केजी इन सॉल्वेंट, तो इसका ये जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, वेट मोल नहीं होता, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब हम गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो सोडा वाटर होता है, क्लियर। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, स्मोक होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है, तो दो चैम्बर्स, जो दो कंटेनर होते हैं ए और बी, दोनों के कंसंट्रेशन को इक्वल करने का काम करता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिमिलर मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन को सिमिलर करने का काम करता है, तो ये आपके हो गए मैचअप। अब इसके बाद 15-16 के अप्रोक्स आपके क्या हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपन उनको भी डिस्कस करते हैं लाइन बाई लाइन, क्लियर। चलिए यहाँ पे अपन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सॉल्व करना है आप लोग खुद सॉल्व करोगे, यदि आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करें बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलिए तो अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एम एल ऑफ 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलरिटी में गिवेन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में गिवेन है, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन से आप दोनों की कंसंट्रेशन किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो मोलरिटी में कर दो या तो नॉर्मेलिटी में कर दो। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा फार्मूला लगता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो हम दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मेलिटी में कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ पे मोलरिटी गिवेन है 1,
हम इसको चलो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। मोलरिटी कितनी है, 1, इसका बैलेंस फैक्टर H2SO4 का बैलेंस फैक्टर ऐसे निकालते, देखो H2SO4 जैसे ब्रेक होता है 2H+ प्लस SO4-2, मैंने इसका ट्रिक बताया था कि जो इसका चार्ज होता है मैक्सिमम वाला चार्ज जो होता है वो इसका बैलेंस फैक्टर होता है, इस अकॉर्डिंग प्लस के दो, तो -2 मतलब इसका 2 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2। क्लियर, आ जाइए नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2। इसका वॉल्यूम हमको ml में कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मेलिटी इसकी हो गई 2, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दूसरे का हमको नॉर्मेलिटी दिया है 1, वॉल्यूम दिया है 10 ml, तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, मतलब आंसर जाएगा 5 ml। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या अपना 5 ml, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये सारे सोल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 2 लीटर वाटर, तो मोलरिटी क्या होगा। तो मोलरिटी का बहुत आसान फार्मूला है, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VML, लेकिन यहाँ पे लीटर में गिवन है तो ऊपर का 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। क्लियर, वेट कितना दिया है 9.8, H2SO4 का मॉलिकुलर मास कितना होता है 98, H2SO4 का मॉलिकुलर मास 98 इंटू 1/2, तो 0.8, ये 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 है मतलब नीचे 10, मतलब 1/20। क्लियर, तो आपका जो मोलरिटी है 1/20 मतलब 0, तो पॉइंट एक और 0, तो ये 20 × 5 = 100, 0.05, इसका आंसर हो जाएगा 0.05, मतलब सेकेंड का हो जाएगा आपका पहले का सी, सेकेंड का बी हो जाएगा। क्लियर, 0.05। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, है ना, यदि हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। क्लियर, यहाँ पे डिक्रीज, इंक्रीज, डज नॉट चेंज, कैन नॉट बी बेस, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इंक्रीज। थर्ड नंबर, ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट, ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट, तो जैसे कॉमन सॉल्ट वाटर में आप मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे आप किसी पानी में यदि नमक मिला देते हो तो उसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट वन, इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है कोई एक को छोड़ के, कौन कौन से, तो कौन सा ऐसा है जो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। All of the following form ideal solution except one, इनमें से कौन सा एक है जो ideal solution नहीं है, तो ये भी है, ये भी है बेंजीन, और ये भी है, ये आपका C2H5Cl and C2H5OH, जो आपका फोर्थ नंबर है ये ideal solution नहीं है, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है ना, एट T कांस्टेंट। तो पहला है यहाँ पे प्रेशर PV इक्वल टू NRT। क्लियर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये तो एकदम सही है, ये सही है एकदम स्टेटमेंट, तो ये तो ट्रू हो गया। क्लियर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी ट्रू हो गया। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर जाएगा सी, मतलब 5 में का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है,
हुज वॉल्यूम पॉइंट इज हाईएस्ट एट वन एटीएम प्रेशर, किसका वॉल्यूम पॉइंट एक एटीएम प्रेशर पे ज़्यादा होगा, कौन से का वॉल्यूम जो बॉइलिंग पॉइंट है वन एटीएम पे सबसे ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर जाएगा इसका 0.01 मोलर BaCl2, 0.01 मोलर BaCl2, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर pi = CrT से सॉल्व हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन जिसका मोल ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आंसर बी जाएगा। 7 नंबर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज केमिकली, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी केमिकली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। उसके बाद यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल ऑलवेज बी लेस देन इट कैलकुलेट वैल्यू बिकॉज वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज, है ना, तो मॉलिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल ऑलवेज बी लेस देन इट कैलकुलेटेड वैल्यू बिकॉज वैल्यू ऑफ द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो आपका इसका जाएगा बेटा मोर देन, ऑलवेज बी लेस देन 5, 3, 8 का बी, तो आपका इसका आंसर चला जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा मोर देन 1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जा रहे हो क्या? चलिए यदि हम अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या है, इन मोलर क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मोलर सॉल्यूशन, मोलर है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इन मोलर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन, मोलर सॉल्यूशन में जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसको हम डिजॉल्व करते हैं, इनको हम डिजॉल्व करते हैं चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इन वन मोलर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन, तो मोलरिटी में बहुत आसान है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर WA, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चेंज फ्री एनर्जी नहीं है, चेंज इन प्रेशर नहीं है, हीट इन वेपोराइजेशन नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्लियर, तो आपका आंसर जाएगा इसका डी, क्योंकि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये आपका एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक और था रिलेटिव लोवलिंग वेपर प्रेशर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एन आइडियल सोल्यूशन इज दैट, जो आइडियल सोल्यूशन है हम डायरेक्ट इसका आंसर बात करते हैं ओवेज राउल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, फिर अ सोल्यूशन कंटेन 20 मोल सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल इन 80 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विल बी, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने बताया था कि x सॉल्यूट तो हो जाएगा n सॉल्यूट, मैंने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बताया था कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको हो जाएगा सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, इस फार्मूले में आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, ये कैंसिल 2/8, 1/4 मतलब 0.25 इसका आंसर चला जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.25। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल ऑफ एथेनॉल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इन सॉल्यूशन विल बी,
देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 मोल ऑफ वाटर 4 मोल ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है, मैंने बार बार बोला कि जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो पहले x वाटर H2O का, तो H2O का मोल अपॉन टोटल मोल, फिर x एथेनॉल, तो एथेनॉल का मोल अपॉन टोटल मोल, है ना। तो 1/5 मतलब 0.2, फिर 4/5 मतलब 5.8, तो हो जाएगा कि आपका एथेनॉल एंड तो 0.2 एंड 0.8 आंसर नंबर फर्स्ट, क्लियर आंसर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने को बहुत डीप में पढ़ने का समय नहीं है, यदि आपको कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पर्टिकुलर शॉर्ट के माध्यम से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा, क्लियर। अभी मेन तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट देना था, लेकिन थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाए इस वजह से हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, सॉल्यूट के नंबर पे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट गलत है, नेचर ऑफ सॉल्यूट गलत है, नंबर ऑफ सॉल्यूट यही सही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, बहुत आसान है, 55.6 कई बार सॉल्व कर चुके हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट आएगा फार्मूला ऑफ द डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना, पाई इक्वल टू सी आर टी ये फार्मूला होगा इसका। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा, डायरेक्ट तो दिया नहीं है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से आपका फार्मूला हो जाएगा, पाई इक्वल टू सी आर टी फार्मूला ऑफ द डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, पाई सी होता है एन अपॉन वी, एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी आर टी, तो एन अपॉन वी आर टी आंसर जाएगा सी, क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ रे ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू इज नोन एज, तो क्या जाएगा इसका आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जाएगा आपका वांट ऑफ फैक्टर बी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू होता है, ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर से, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका वांट ऑफ फैक्टर, क्लियर बी आंसर जाएगा। तो ये आपके हो गए पहले चैप्टर के आपके फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरा पहला चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये वीडियो एमपी बोर्ड में, ये वीडियो जो है तो कम से कम 1,000, 2,000, 10,000 बच्चों तक पहुँचे, जिससे हम लोगों की मेहनत का थोड़ा सा सारे बच्चों को बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच आप लोग।